दोस्तों, आप जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी को तो जानते ही होंगे, जिन्हें इसरो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज करता है। पीएसएलवी को लगभग 2000 किलो 600 से 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि जीएसएलवी ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक 3-स्टेज रॉकेट है और इसे हैवियर सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स टिपिकली 36,000 किलोमीटर की हाइट तक लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसरो ने अब चैलेंज लिया है डेवलप करने का यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल यूएलवी और हैवी लॉन्च व्हीकल एचएलवी का। ये इसरो के नए रॉकेट्स इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी का भविष्य पूरी तरह बदल देंगे। ये लॉन्च व्हीकल की सीरीज पीएसएलवी और जीएसएलवी को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी, इसीलिए इसरो ने इसे यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल यानी यूएलवी का नाम दिया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस सिंगल लॉन्च व्हीकल को ही मॉडिफाई करके किसी भी क्लास के लॉन्च व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें प्लान ये है कि चाहे जिस भी क्लास का लॉन्च व्हीकल बनाया जाए, इसके फर्स्ट स्टेज में कॉमन लिक्विड सेमी क्रायोजेनिक कोर लगाया जाएगा, जिसमें वेरिएबल फ्यूल लोडिंग कैपेबिलिटीज होंगी। सेकंड स्टेज को भी क्रायोजेनिक स्टेज से इक्विप्ड किया जाएगा, जो हाईली कॉन्फिगरेबल होगा, यानी जैसा कस्टमर का पेलोड वेट होगा उस हिसाब से इसे कॉन्फिगर किया जाएगा। जैसा कि इसरो के रिसोर्सेज से पता चला है, यूएलवी सीरीज में 4 तरह के रॉकेट होंगे, यानी कस्टमर के पास चॉइस होगी कि वे अपने पेलोड के हिसाब से कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। यूएलवी के स्मॉलेस्ट वेरिएंट में 6 S-13 बूस्टर्स का यूज किया जाएगा। इसका लॉन्च मास 274 टन होगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1.5 टन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और 4.5 टन लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने की होगी। सेकेंड वेरिएंट में 2 S-60 बूस्टर्स का यूज किया जाएगा, जिसका लॉन्च मास 340 टन होगा। इसकी कैपेसिटी 3 टन GTO और 10 टन LEO तक ले जाने की होगी। थर्ड वेरिएंट में 2 S-138 बूस्टर्स यूज किए जाएंगे। इसका लॉन्च मास 560 टन होगा। ये GTO तक 4.5 टन और LEO तक 12 टन पहुंचा सकेगा। ULV का मोस्ट पावरफुल वेरिएंट 2 S-200 बूस्टर्स का यूज करेगा। इसका लॉन्च मास 700 टन होगा। ये 6 टन GTO और 15 टन LEO तक ले जा सकेगा। ULV रॉकेट्स के सक्सेसफुली वर्क करने के बाद इसरो HLV रॉकेट्स को टेस्ट करेगा, जो ULV से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। तो दोस्तों, ये प्रोग्रेस यहीं नहीं रुकेगी, समय के साथ साथ और बढ़ती जाएगी और देश का नाम रोशन करेगी।